अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। ये पता है जमाने को, बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल आए। एक बार दोनों हाथ खोले जो बाबा को अपनी झोपड़ी में बुला। सच्चे हाथ उठाना, झूठ की कोई दरकार नहीं है। सच्चा जिसका मन हो, है ना, वो मिलकर के बोला, अपने भक्तों के घर तुम गए थे। कन्हैया को अपने घर बुलाया, बोले कन्हैया ए ठाकुर जी,
एक बार मेरी झोपड़ी में भी आओ ना, मेरे घर में भी आओ, और क्या 56 भोग के थाल जचा दिए भगवान के स्वागत। जानते हो भगवान ने मुंह भी नहीं करा, भाव जानते थे ना उसका, मुंह भी नहीं करा उसके, और उससे हटकर विदुर विदुर के घर चले गए, जहां विदुरानी के हाथ से छिलके भी खाए प्रभु। अचानक विदुरानी जब ठाकुर जी को अपने घर पे देखा तो समझ में नहीं आया क्या बोलूं क्या खिलाऊं, है ना, भगवान मेरे घर आए हैं आज। और इतनी भाव विभोर हो गई, ठाकुर जी को पकड़ के अंदर लाई, आसन पे बिठाया और उनकी शक्ल देखती सिर्फ कि आज भगवान मेरे घर आए, आज भगवान मेरे घर आए, और केले छीलती, भाव की बात बता रही हूं ध्यान से सुनना, केले छीलती, केला तो जमीन पे गिरा देती, छिलका भगवान के मुंह में दे देती, इतनी भाव विभोर हो गई। फिर केला छीलती, छिलका जमीन पे, केला जमीन पे गिरा देती, छिलका भगवान के मुंह में दे देती, भगवान बड़े प्रेम से खा रहे। तभी विदुर जी आए, अरे विदुरानी, अरे क्या कर रही है, भगवान को छिलके खिला रही है, तेरी बुद्धि खराब है। और बड़े प्रेम से विदुर जी ने एक केला छीला, छिलका जमीन पे गिरा दिया, केला भगवान के मुंह में दे दिया। अब भगवान क्या बोलते हैं मालूम है, अरे विदुर जी, जो स्वाद छिलकों में आ रहा था वो केले में नहीं आ रहा है। बोल प्यारे की। तो ये तो भाव का भूखा है, क्योंकि उसको मालूम था विदुरानी के भाव क्या है, है? इसलिए आज अगर आपको अपने भाव दिखाने हैं बाबा को, एक बार दोनों हाथ खोलना और आज बाबा को बोल के जाना, बाबा को दरबार आ जाओ कन्हैया। रोशनी उनके घर में कर दे बाबा तो जाने है? अगर मैं सोने के सिंहासन नहीं लगाऊं तो क्या मेरी झोपड़ी में नहीं आएगा, क्या 56 भोग नहीं लगाऊं तो क्या मेरी झोपड़ी में नहीं आएगा है? क्या तेरे घर की जैसी दिवाली नहीं मनाऊं तो क्या मेरी झोपड़ी में नहीं आएगा बाबा। एक बार दोनों हाथ खोल के बाबा को बुला तो लो, आ जाओ कन्हैया।
होना है ओ बाबा मेरा। फूलो पैसों के वाले कांटों पे बिछोना है बाबा मेरा। ओ आके तो आजमा दूंगा पल के बिछा, आके तो आजमा दूंगा पल के बिछा। शाम तुझको दरबार की सच्चाई बता रही हूँ आप। लोग बड़े ही आते हैं, बड़े बड़े सेठ देखे खाटू में डोलते फिरते हैं खाटू की गलियों में हैं। और जिनके घर में चार नौकर उनको खाना खिलाने वाले होते हैं ना, अब वो सेठ खाटू में लोगों को खाना खिला रहे होते हैं। ये स्थिति है खाटू की। ये मेले के अंदर कभी जाकर के आप देख लेना, जिन जिन औरतों की, जिन सेठानियों की नेल पेंट नहीं उतरती है ना अपने घर में, वो वहाँ खाटू में बर्तन मांजती मिल जाएंगी आप। ये खाटू की खासियत है। ऐसे लोग खड़े रहते हैं, भैया खा लो ना, थोड़ा सा खाना खा लो ना, भैया थोड़ी सी छाछ पी लो ना, थोड़ी सी खिचड़ी खा लो ना। ऐसे बड़े बड़े सेठ नाक रगड़ते हैं मेरे बाबा के दरबार, क्योंकि इसने किसी का पैसा नहीं देखा। बतेरे आते हैं बागा लेकर के बड़े बड़े, चल बाबा मैं तुझे लेने आया हूँ। 56 भोग के थाल लेके सवा मणि करने, बाबा चल मैं तुझे लेने आया हूँ, लेकिन मेरा बाबा नहीं जाता। और ये सच्चाई है, अगर एक प्रेमी बाबा के दरबार में रोता रोता आ जाए, बाबा उसके पीछे पीछे हो लेता। बल हारे के सहारे की। मैं तो कह रही हूँ आपको, आज यहीं से बाबा को अपने घर ले जाओ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अब बताओ कौन कौन बुलाओगे, लगाओ ताली। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, आंसू पोंछ कर मुझे गले रोया है, ये सच्चाई है। एक ही बार रोएगा वो जिंदगी में, इसके आगे है फिर दुनिया की मजाल नहीं जो उसकी आंखों में आंसू ला दे। ला नहीं सकता कोई आंसू। जो यहां रो दे वो जिंदगी में कभी नहीं रोए, जो यहां हार जाए उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, गारंटी है। बल हारे के सहारे की। और रोने भी तो नहीं देता, रोने भी नहीं देता जल्दी से किसी को। आप जब रोने का अधिकार पता है किसको देता है, जब ठाकुर जी को ये करना होता है ना कि अपने चरणों की धुलाई करनी है, हैं? तो हमारे हृदय में जो ठाकुर जी बैठे हैं उनको अपने चरणों की जब धुलाई करनी होती है, तो वो हमारी आंखों से अपने आंसू निकाल के अपने चरणों की धुलाई कर लेते हैं। उसी को रोने का अधिकार देता है बाबा, जिसको अपना मान। हर कोई रो नहीं सकता। जरा दोनों हाथ खोलो और बाबा को बुला लो अपने घर, मिलकर कहना, एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है, तेरा ही भरोसा मुझे तेरा सहारा, प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए।
आपको, हमको सेटों की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा सेट है। हाँ, जिसको ये जरूर गलतफहमियों के मैं सेट हूँ, हाथ मत उठाना, हमको उसकी जरूरत भी नहीं, हमारे ऊपर सेटों का बाप बैठा है। जरा दोनों हाथ खोलना, पूरे हाथ खोल। कभी फुर्सत हो तो सांवरिया निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो सांवरिया निर्धन के घर भी आ जाना, जो पूरे हाथ खोलना, और जिस दिन बाबा आपके घर आ जाए हैं, उस दिन कहना बाबा को, ओ भिखारी के घर में दाता पधारे, भिखारी के घर में दाता पधारे, बड़े ही अनोखे भाग्य हमारे, बड़े ही खाटू वाला मुजफ्फरनगर में बैठा है। जय हो। हाँ, एक ताली बनती है कि नहीं? सदा इसके दर पे जाता हूँ लेने, सदा इसके दर पे जाता हूँ लेने, आज मेरा सेठ खुद ही आया है देने, लेकर जाओगे। और ये भी मेरी गारंटी है, अगर आपके भाव आज सच्चे हैं तो आप घर पे बाद में पहुंचोगे, मुरली वाला आपको गेट पे मिलेगा आज आपके। जय है, बोल श्याम प्यारे की जय है। कुछ दे या ना दे श्याम, कुछ दे या ना दे श्याम, तू अपने दीवाने को कुछ दे, तो ये आपको जगह कहां देगा मालूम है? अपने दिल में है? आप चरणों में आंसू बहाओगे, ये आपको अपने दिल में बिठा लेगा। पर बाबा से कहना, मैंने आप तो खैर कई लोग खाटू नहीं गए हैं, उनको मालूम नहीं है, नहीं तो आलू सिंह जी के समय में
ऐसे भजन हुआ करते थे, लोग एक ही लाइन गाते रहते थे, पूरी रात निकल जाती थी। लोगों को पता ही नहीं चलता था कब सुबह के 4 बज गए, आरती करने का समय हो गया, क्योंकि लोग भजनों के रस में डूब जाते थे। उनको पता ही नहीं, उनको यूं लगता था कि हम दुनिया की सबसे सेफ जगह में बैठे हैं, ठाकुर जी के चरणों और मेरे बाबा की शरण में हम बैठे हैं, तो इसका मतलब है इससे सुरक्षित जगह कहीं नहीं है। हाँ, अब लगाओ ताली, बाबा से कहना कुछ नहीं दे तो आंसू ही दे दे, तेरे चरणों में बैठ के बहा लूंगा बाबा। हाँ, लगाओ ताली। तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी कसम सारे आ जाओ कन्हैया।